तो उत्तर प्रदेश में पांचवें चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। 12 जिलों की 61 सीटों पर वोटिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश के 2,24,00,000 वोटर्स आज 692 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। आज का चुनाव इस मायने में भी बेहद खास है क्योंकि जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें गांधी परिवार का गढ़ माने जाने वाले रायबरेली और अमेठी जिले के साथ साथ प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, सुल्तानपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ शामिल है। साथ ही योगी सरकार के 6 मंत्रियों की किस्मत का भी आज फैसला होना है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य, आज इनकी भी किस्मत का फैसला होगा। वोट कास्ट करने से पहले देखिए किस तरह से पूजा अर्चना करते वो नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। परिवार वाले लोग भी उनके साथ यहाँ पर वो मौजूद हैं। और आप आमतौर पर आपने देखा होगा कि जो प्रत्याशी हैं वो पूजा पाठ करने के बाद सुबह सुबह पोलिंग सेंटर पहुंच जाते हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने। मेरे सहयोगी कुमार सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। कुमार सोनू, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य घर से निकलने से पहले पूजा करते नजर आ रहे हैं, वहीं आप जिस सीट पर हैं उस पोलिंग स्टेशन की अगर हम बात करें तो किस तरह की सुखबुगाहट है उस बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन इसी बीच ये तस्वीरें देखिए, तिलक किया जा रहा है उनका और जाहिर सी बात है भगवान से जीत का आशीर्वाद उन्होंने लिया होगा। उनके परिजनों ने भी ये उनको उम्मीद होगी कि केशव प्रसाद मौर्य इस सीट पर इस चुनाव में जीत दर्ज करेंगे। मीडिया से भी मुखातिब होंगे केशव प्रसाद मौर्य और तमाम जो मीडिया गण हैं, मीडिया के लोग हैं, वो वहां पर मौजूद। यार दक्षिण मुख हो जाएगा, मैं उधर तो नहीं करूँ। निश्चित तौर से आज 27 तारीख है। आज जिस विधानसभा क्षेत्र से सिराथू से 251 सिराथू विधानसभा से मुझे प्रत्याशी बनाया गया है। आज यहाँ भी मतदान हो रहा है पांचवें चरण की जो 61 सीटें हैं उसमें से। और आज मैं अभी अपनी पूज्य माता जी का, बड़े भाई साहब का, भाभी जी का, सबका आशीर्वाद ले लिया और भगवान की पूजा अर्चना करने के पश्चात अब क्षेत्र में भ्रमण के लिए जाऊंगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सिराथू विधानसभा क्षेत्र में सिराथू की जनता सिराथू के बेटे को कमल का फूल खिला करके भारी अंतर से यहाँ से विजयी बनाएगी। तो केशव प्रसाद मौर्य को आपने सुना। इसी बीच मेरी सहयोगी गौनिका अरोड़ा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सीधे गौनिका का रुख करेंगे। गौनिका, कहां पर आप मौजूद हैं और किस तरह की तस्वीरें? देखिए, मैं बीजेपी की गढ़ अयोध्या में मौजूद हूँ, राम की नगरी है और सुबह सुबह का वक्त है, मतदान शुरू हो चुका है। लोग मतदान करके अब एक एक करके बाहर निकल रहे हैं। और अगर अयोध्या सीट की बात की जाए तो 1991 से बीजेपी ये सीट जीतती आई है, लेकिन सिर्फ 2012 से 2017 का वो वक्त था जब यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के इस गढ़ में सेंध मारी। और इस बार भी पूरी कोशिश समाजवादी पार्टी की यही है कि इस ये जो 5 सीटें पिछली बार बीजेपी ने अयोध्या विधानसभा की जीती थी उन सीटों में से चाहे 2 या 3 सीटें कम से कम समाजवादी पार्टी अपने पाले में कर पाए। और इसीलिए अखिलेश यादव भी 2 दिन पहले यहां पर पहुंचे थे, एक विशाल उन्होंने रोड शो किया था। उससे 1 दिन पहले योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने भी रोड शो किया था और दोनों के रोड शो में भारी भीड़ थी। ऐसे में भीड़ कितनी वोटों में तब्दील होगी ये जरूर देखना होगा। वहीं यहां के मुद्दों की बात की जाए तो राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी यहां पर उठा रही है कि राम मंदिर उनके बीजेपी के कार्यकाल में बना है। वहीं लोगों के मन में यह मुद्दा है नहीं, वो भी हमने लोगों से जाना था और लोग भी कहीं ना कहीं राम मंदिर के मुद्दे को कर रहे हैं। हालांकि इसके अलावा और भी तमाम मुद्दे, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो ये क्योंकि पूर्वी इलाका है उत्तर प्रदेश का, यहां पर सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो आवारा जानवरों की है जो खेतों में घुसकर लोगों की फसलों को खराब करते हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के मन में नाराजगी है। लेकिन ज्यादातर लोग हमने ऐसे देखे जिनको ये परेशानी तो जरूर है लेकिन उसके बावजूद लोग बीजेपी के ज्यादा विरोध में नहीं जा रहे हैं। लोगों के लिए कैंडिडेट यहां पर ज्यादा मायने नहीं रख रहा है बल्कि लोगों के लिए पार्टी, योगी आदित्यनाथ या मोदी, ये फैक्टर सबसे ज्यादा मायने रख रहे हैं। और राशन की स्कीम खासतौर पर पूर्वी इलाकों में और जहां पर भी दलित वोटर है वहां पर सबसे ज्यादा प्रभावी साबित हो रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।